मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. और गाना कैसा लगा आपको? मैंने गाने का टीजर देखा है. मैंने अभी पूरा गाना नहीं देखा है बिकॉज थोड़ा सा काम चल रहा है. और लेकिन डेफिनेटली टीजर देख के मुझे समझ में आया कि गाना सॉफ्ट है, रोमांटिक है. और संजय को उस अवतार में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आई जस्ट होप एंड आई एम विशिंग एंड आई नो दैट संजय विल बी एक्सीलेंट इन दैट सॉन्ग. इट्स आई विल कम हियर ओनली फॉर संजय. संजय नेगेटिव किरदार शो में निभाते हैं और यहाँ पर एक अलग रोमांटिक, क्या कहना चाहेंगे, मतलब संजय एक अच्छा एक्टर है तो नेचुरली वो जब नेगेटिव इतनी क्या कैसे तन्मयता से निभाता है, इतनी शिद्दत से निभाता है, तो उसने रोमांटिक भी बहुत शिद्दत से निभाया होगा. सो आई हैव फुल फेथ ऑन हिम बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड इफ इज परफॉर्म्ड अ नेगेटिव सो वेल ही मस्ट हैव परफॉर्म्ड एज अ पॉजिटिव इक्वली वेल. आई हर्ड ही इज डांस्ड ऑल्सो. सो नाइस, यू गेट टू सी सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ परफॉर्मर एंड सो मेनी लेयरिंग्स ऑफ अ परफॉर्मर. तो अच्छा लगता है जब एक्टर को अलग अलग किरदार और अलग अलग तरीके की चीज़ें करने को मिलती हैं. सो आई एम हैप्पी फॉर इट. मैम दो शो आप कैसे कर लेती हैं, मतलब मैनेज कैसे कर लेती हैं, मतलब जानना कि एक शो से लोग थक जाते हैं, मतलब टेलीविजन करना. आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मैं कुंडली भी तीन चार दिन ही करती हूँ महीने में. ये ज़रूर है कि जब मैं तीन चार दिन आती हूँ तो बस मैं ही करती हूँ. और सो इस वजह से मैं अपने व्यूअर्स से थैंकफुल हूँ, एकता को थैंकफुल हूँ, अपने टीम को थैंकफुल हूँ और मोल की एज अ मेन नेगेटिव मैं करती हूँ. सो दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे टेलीविजन में एक साथ दो चैनल्स पर अलग अलग किरदार करने को मिलते हैं. सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किस में आपको ज़्यादा मज़ा आता करने में? दोनों ही अच्छे हैं. कैसे बताऊँ कि दोनों में से कौन सी आँखें प्यारी हैं? सरला क्योंकि उसकी जर्नी बहुत पुरानी है और तकरीबन 8 साल होने वाले हैं तो वो थोड़ा दिल के ज़्यादा करीब है. प्रकाशी देवी जो है वो नेगेटिव है तो उसको अभी मैं फिर भी थोड़ा जान रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एक एक परत करके, क्योंकि उसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है तो वो अभी थोड़ी नई है. लेकिन सरला तो अभी मेरे अंदर रस बस गई है. और अगर हम बात करें 1000 एपिसोड भी कंप्लीट हुआ है शो का, तो कितने आप एक्साइटमेंट थे शो आजकल? आई गेस अगेन एज आई सेड द भाग्य सीरीज इज़ वेरी लकी बिकॉज कुमकुम भी 1000 एपिसोड हुआ था और मैं तो कुमकुम के पहले एपिसोड से हूँ. और फिर ये स्पिन ऑफ कुंडली ये भी 1000 एपिसोड हो गया. कुमकुम इनफैक्ट अभी 2000 होने वाला है. सो दर्शकों का प्यार है, वेल विश है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि शो इतना लंबा चल रहा है. वरना आजकल कहाँ शो आते हैं चले जाते हैं. आर्टिस्ट को दिखाने का मौका भी नहीं मिलता है, टीआरपी के रेस में सब गड़बड़ हो जाता है. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू वॉच. मैम बिग बॉस आप देख रहे हैं, जीशान आउट हो चुका है. काफ़ी लड़ाई किया उन्होंने और उन्हें आउट कर दिया गया. मैंने जीशान वाला एपिसोड नहीं देखा. मैं रेगुलर नहीं देखती हूँ पर मेरी बिटिया देखती है तो थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे पता चलता रहता है ऐसे इधर से कमरे से आते जाते. तो मैंने पर उसकी स्टोरीज में देखा कि क्योंकि वो कुमकुम करता है तो हम मिले हुए हैं कई बार. साथ में शूट तो नहीं किया है कभी क्योंकि वो ब्लीड के बाद के बच्चे हैं. लेकिन अगर वो बाहर आकर खुश है, उसकी फ़ोटोज़ में मुझे कई बार लग रहा था कि, तो अच्छी बात है. और इट्स अ गेम आई गेस. मैंने वो एपिसोड देखा नहीं है तो आई कैन कमेंट. और वो लोग अंदर क्या करते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, वो बेहतर जानते हैं. मैं वो समझ नहीं सकती. तो मैम आप बिग बॉस में कभी हम आपको देख पाएंगे, आप जाना पसंद? अरे पता नहीं, कोई मुझे बुलाएगा कि नहीं, पर अगर बुलाएगा तो जाऊंगी जरूर. आई विल डेफिनेटली गो, चाहे पहले हफ्ते में आउट हो जाऊँ ये देखने के लिए कि वहाँ होता क्या है, लोग इतने पगला क्यों जाते हैं. लेकिन चाहे मैं भी पगला जाऊँ. पूरी इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगा अगर आप जाइए. आई दैट्स सो स्वीट, आई जस्ट विश दैट. और मैं चाहे वही मैंने कहा कि आउट हो जाऊँ कुछ, अगर एक हफ्ता भी रह लूँ पर मैं जाऊँगी जरूर, कभी मुझे ऑफर आया तो. जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच. मैं तहे दिल से आपको थैंक यू करना चाहती हूँ फॉर लविंग मी एंड फॉर लविंग मी इन एनी कैरेक्टर आई हैव डन. आई हैव ऑलवेज गॉट सो मच ऑफ लव. मुझे बहुत सारा प्यार मिला है सबसे. और मैं एक नेगेटिव भी करती हूँ तब भी इतना अच्छा लगता है कि गालियाँ नहीं मिलती हैं. लोग बोलते हैं कि अरे वाह सलमा कितना अच्छा नेगेटिव भी करती हैं, सुप्रिया जी कितना अच्छा है. तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा किया है कि रिटर्न में इतना प्यार कर